हेलो गाइस, वेलकम टू सपोर्ट आइडिया। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अगर आपका HP का 316 या फिर 5810 ऐसा मॉडल करके अगर आपका प्रिंटर है और इसमें आपका ये एरर आ रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर प्रिंटर ऑन कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पर प्रिंटर में कार्टिज का एरर आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने प्रिंटर ऑन कर दिया। ऑन करते ही यहाँ पर देखिए कार्टिज का एरर आ रहा है। यहाँ पर देखिए रेड ब्लिंकिंग दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर डॉट सिंबल आ रहा है। तो ऐसा अगर आपका प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं आज आपको पूरा इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे इसको ठीक करना है। ये आप आसानी से अपने घर में भी ठीक कर सकते हो। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखोगे तो आप भी सीख जाओगे कैसे इसको ठीक करना है। ये ज़्यादातर आपका कार्टिज जाम हो जाएगा तो ये आपका प्रॉब्लम आएगा, ये प्रिंटर का एरर। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है तो मैं आज आपको पूरा वीडियो में दिखा रहा वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो, ये कार्टिज का प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करने के लिए आपका जो यहाँ पर ढक्कन है इसको खोल देना है। खोलने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक ढक्कन है, इसको भी खोल देना है। जैसे ही खोलोगे तो अंदर आपको यहाँ पर कैरेज मिलेगा। देखिए ये जो कैरेज है इसमें आपका कार्टिज लगा होता है, और इस कार्टिज की वजह से ये आपका एरर आता है। तो आपको इसको ब्लू कलर जो क्लिप है इसको आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये खुल जाएगा, ये देखिए खुल गया। और यहाँ पर ठीक बीच में लाने के बाद आपको इस कार्टिज को प्रेस करना है नीचे की तरफ, तो ये खुल जाएगा। ये देखिए दोनों प्रेस करने के बाद ये खुल गया। और यहाँ पर देखिए पैनल है, इस पैनल को आपको वॉश करना है। और कार्टिज के पीछे भी सेम पैनल है। यहाँ पर देखिए इंक लगा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर इंक लगा हुआ है। और इस पैनल को भी आपको वॉश कर लेना है। ये ज़्यादातर आपका कार्टिज का पैनल में अगर इंक होगा तो ये आपका प्रॉब्लम आएगा कार्टिज एरर का। तो अभी मैं यहाँ पर जो इंक लगा है इसको मैं अभी वॉश करूँगा पहले। तो यहाँ पर मैंने कार्टिज को वॉश कर लिया, यहाँ पर भी वॉश कर लिया, और यहाँ पर भी कार्टिज को वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको हिलाना है ऐसे, ताकि इसका जाम जो है वो नोजल से निकल जाए इंक। दोनों को सेम ऐसे ज़ोर से आपको हिलाना है। और आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ पर जो नोज़ल है इसमें आपको हाथ नहीं देना है, ताकि ये हाथ देने से लेंस ख़राब हो सकता है। पैनल को भी मैंने वॉश कर लिया है, देख सकते हो पैनल को भी मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ये जो कलर है यहाँ पर देखिए, कलर है और यहाँ पर ब्लैक है। तो यहाँ पर आपको कलर लगाना है। तो यहाँ पर कलर लगाने के लिए सिंपली इसको जैसे खुले थे आप वैसे लगा के ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो लग जाएगा। सेम ब्लैंक कार्टिज को भी आपको लगा देना है, सेम मेथड है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो लग गया। कार्टिज को लगाने के बाद ऊपर जो आपका ढक्कन है उसको भी आपको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो ये लग जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर कार्टिज लग गया, यहाँ पर मैंने कार्टिज को लगा दिया। उसके बाद यह जो ढक्कन है कवर, इसको भी आपको लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पर एरर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऑफ करके ऑन करेंगे। यह आपका जो हेड का नोजल है वहाँ से पाइप से अगर इंक कैरेज में चला जाएगा तो ये कार्टिज का एरर दिखाएगा। तो आपको ऐसे कुछ नहीं करना है, टिश्यू से इस कार्टिज का पैनल को वॉश कर लेना है। वॉश करके दोबारा इसको इंस्टॉल करने के बाद आप प्रिंटर को एक बार ऑन करके ऑफ कर देना, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा अभी कार्टिज का एरर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है और प्रिंटर रेडी हो गया। हम लोग अब एक जेरोक्स करके आप लोगों को दिखाएंगे कि जेरोक्स हो रहा है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में।